हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है हंसराज चौहान, हमारा चैनल है CICM क्लासेस। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हमने पिछले 3 वीडियो में पढ़ा था। फिलहाल जो प्रिपरेशन मेथड है वो जो थर्ड मेथड पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में 2 केस पढ़े थे, पहला एल्डिहाइड कीटोन का और दूसरा है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। हाँ या ना? अब उसी को ही पढ़ना है। ध्यान से अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, बाकी आपकी मर्जी। देखो टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए तो यहाँ पे भी कौन सा बेटा थर्ड मेथड था हमारे पास, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या था बेटा? रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो यहां पे बेटा इसमें जो सेकंड केस था वो किसका था? एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का देखिए बेटा, ये सर एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। और एसिड और इसके डेरिवेटिव के बारे में मैंने बताया था आपको कि एसिड में कौन कौन आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव में एसिटिल हैलाइड, एस्टर, एसिड एंड हाइड्राइड, एमाइड, जो भी थे ये सभी किस में आते हैं बेटा? इसके डेरिवेटिव में। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जैसे मानिए आपको ये दिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे बेटा जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, अब ये सवाल है। लास्ट पॉइंट की अगर बात कीजिए तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक तो यूज़ किया जाता था NaBH4 और एक यहाँ पे यूज़ किया जाता था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाँ या ना? अब मेरे बच्चों अगर मैं यहाँ से बात करूँ एसिड की, तो एसिड खुद कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। हाँ या ना? भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपके पास एक ग्लास एसिड है उसमें अपनी उंगली डाल दीजिए, तो एसिड क्या करेगा? आपकी उंगली को पिघला देगा। क्यों? क्योंकि एसिड खुद कैसा बेटा? स्ट्रॉन्ग। अगर आपको किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से लड़ने के लिए जाना है तो खुद की कैपेसिटी भी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे एसिड और एसिड के डेरिवेटिव है उनमें सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ किया जाएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। और ये कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था कि सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कौन काम आता है बेटा? एज ए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मतलब यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट का यूज नहीं करोगे। क्लियर यहाँ तक? तो सर आपने यहाँ पे डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट LiAlH4। अब यहाँ से आपको एल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। अब मेरे बच्चों देखो, जब एल्कोहल का प्रिपरेशन करना था तो यहाँ पे क्या होगा? सर होगा तो रिडक्शन ही, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा और सर यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से क्या होगा बेटा? बाहर निकलेगा। सर अगर यहाँ से एग्जाम्पल की तौर पर समझना, अगर ये वाला पाई बोर्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन ऊपर दे दूँ, एक हाइड्रोजन कहाँ दे दूँ बेटा? नीचे। हाँ ना? सर अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ पे OH और इस कार्बन के साथ भी क्या है बेटा? OH। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक ही कार्बन पे 2H ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। सर इसका फिर से रिडक्शन किया जाएगा तो यहाँ से बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, HOH, यानी कि H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा बेटा? बाहर। और यहाँ से क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यानी कि CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा बेटा? OH। यानी कि सर ये बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर बेटा? अगर मैं यहाँ पे सेम बेटा एसिटिल हैलाइड लूँ तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CL, और यहाँ पे आप यूज़ क्या करोगे? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ से बेटा जब ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे। सर ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन CL के पास, तो यहाँ से क्या होगा बेटा? HCl का मॉलिक्यूल बाहर, और यहाँ से क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन कितने बेटा? 2, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे एस्टर ले लूँ R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, और यहाँ पे आपने यूज़ क्या किया बेटा? LiAlH4, तो सर यहाँ से एक बॉन्ड ये टूटेगा तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन कहाँ बेटा? नीचे। और ये बॉन्ड तोड़ा जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बना? ROH, यानी कि सर R सिंगल बॉन्ड OH, एल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ से बेटा बाहर, और यहाँ से एक क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C, H कितने बेटा? 2, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। बेटा अगर मैं यहाँ पे लूँ एमाइड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे किसका यूज़ किया बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तो सर ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, और ये बॉन्ड तोड़ूँ तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन इस तरफ,
NH2 और एक हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बना बेटा NH3। तो सर NH3 का मॉलिक्यूल बाहर, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, है ना। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा एल्कोहल की। जब एसिड और एसिड के डेरिवेटिव देखा जाता है तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़, उसको डोनोट करना कि सर यहाँ पे OH का मॉलिक्यूल बाहर निकला, यहाँ पे सर Cl का मॉलिक्यूल बाहर निकला, यहाँ पे OR का मॉलिक्यूल बाहर निकला, और यहाँ पे NH2 का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ मिलके NH3 के फॉर्म में क्या हो रहा है बेटा बाहर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सर एसिड और एसिड के डेरिवेटिव की बात की जाए तो वहां पे कोई ना कोई आपको क्या मिलेगा बेटा लिविंग ग्रुप, आपको लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना है और यहां से आपकी प्रिपरेशन किसकी हो जाएगी बेटा एल्कोहल की, क्लियर है। अब यहां से अगर बात की जाए तो यहां पे आपको एक नोट डाल के लिखना है, और वो नोट क्या डाल के लिखना है बेटा, छोटा सा चीज है ठीक है, कि सर जितने भी आपके पास एसिड और एसिड के डेरिवेटिव है, नोट में क्या लिखना है कि जितने भी एसिड और एसिड के डेरिवेटिव हैं उनमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या यूज होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यानी कि सर ऑल एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज किया जाएगा किसके तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। लेकिन बेटा कि जो आपके पास ये है एसिटिल हैलाइड, तो सर एसिटिल हैलाइड के केस में सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 भी यूज किया जा सकता है, क्लियर बेटा। ये छोटी सी कहानी थी, नोट के तौर पे लिखना है, यहां पे लिख देता हूं ठीक है। ऑल एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ऑल एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव लिथियम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बट इन केस ऑफ एसिटिल हैलाइड सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ऑल्सो यूज्ड। कि भैया अगर बात की जाए जितने भी एसिड और एसिड के डेरिवेटिव हैं उन सभी में क्या यूज किया जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन एसिटिल हैलाइड है उस केस में आप NaBH4 भी यूज कर सकते हो, ये आपका नोट है, इसको तरीके से लिखना ठीक है बेटा। अब इसकी मैकेनिज्म पे चलते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं कैसे मैकेनिज्म है और वो सब समझते हैं ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे मैं ये वाला कंपाउंड ले लेता हूँ ठीक है, इसको समझना तरीके से। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म इसका कैसे आएगा, कि सर हमारे पास ये है बेटा, क्या है RC OO और यहाँ पे क्या लगा बेटा H, क्लियर है। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे क्या है बेटा, आपने सबसे पहले कि सर रिएक्शन में होगी, अब रिएक्शन में क्या होगा बेटा कि यहाँ पे सर ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ जुड़ा है, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की कंपैरिजन में ज़्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे बेटा ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपके पास OH, हाँ या ना, सही बात है ना, अरे यही तो है या कुछ और है, क्लियर यहाँ तक। अब यहां से क्या होगा सर, इस कार्बन पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव। अब सर होगा क्या, यहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा बेटा LiAlH4, तो यहां से ये क्या देगा सर H-। अब ये H- कहां पे जाके जुड़ेगा, यहां पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे है कार्बन के पास, तो यहां से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C के साथ नीचे क्या आ गया बेटा H, यहां पे सर सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे क्या आ गया बेटा OH, हाँ या ना। अब यहां से बेटा ध्यान से सुनना सर, यहाँ से अगर ये ऑक्सीजन बैकबॉन्डिंग करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और उस कंडीशन में OH का मॉलिक्यूल बाहर नहीं होगा क्योंकि OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, आई कहानी समझ। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या कराना है इसका प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन कराओगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा कि सर H2 का मॉलिक्यूल डाला जाएगा और H2 में क्या होता है बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे सर इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से सर 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने बेटा 2 लोन पेयर।
सर यहाँ से ये हाइड्रोजन अटैक किस पे करेगा, ऑक्सीजन पे, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, आर सिंगल बॉन्ड सी ओ पे सर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बेटा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने लोन पर दिया, इस पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव। अब सर समस्या ये है कि कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, तो ये क्या करेगा बेटा बॉन्ड तोड़ेगा, या तो हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़े, और यहाँ कहाँ से तोड़े बेटा कार्बन से, अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वजह से बॉन्ड कहाँ से तोड़ेगा कार्बन से, तो सर यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे ऑक्सीजन ने, तो ये दो H और एक ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा बाहर, उस कंडीशन में कार्बन पे चार्ज कैसा आया पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C O पे नेगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव, यहाँ से सर ये ऑक्सीजन क्या करेगा बैक बॉन्डिंग, जैसे ही बैक बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ से क्या बना R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, हाँ है ना। अब सर यहाँ से एल्डिहाइड बन गया, अब एल्डिहाइड की बात कीजिए तो कल मैंने आपने एल्डिहाइड के केस में मैकेनिज्म पढ़ाया था, अब वो का वो मैकेनिज्म फिर से पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, अब यहाँ से क्या होगा सर ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींचेगा तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा आर सिंगल बॉन्ड सी ओ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या गया बेटा इस कार्बन पे चार्ज कैसा बेटा पॉजिटिव। अब रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट कौन करेगा एल आई ए एल एच फोर, ये क्या देगा बेटा H माइनस, अब ये सर H माइनस वहां पे जाकर अटैक करेगा जहां पे चार्ज कैसा बेटा पॉजिटिव, तो यहां से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C O इस पे नेगेटिव और यहां पे एक हाइड्रोजन और ये कितना हो गया बेटा दूसरा हाइड्रोजन। अब सर रिएक्शन में क्या आपके पास H2 का मॉलिक्यूल, H2 क्या है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो सर ये पॉजिटिव कहां पे जाकर अटैक करेगा जहां पे चार्ज कैसा बेटा नेगेटिव, तो यहां से क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C इसके साथ हाइड्रोजन कितने दो यानी कि CH2 और सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा बेटा OH, यानी कि इस तरीके से आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है और इस तरीके से ये रिएक्शन क्या होगा बेटा कंप्लीट। क्लियर यहां तक, तो ये था आपके एसिड और एसिड के डेरिवेटिव का मैकेनिज्म मैंने कंप्लीट करा दिया बेटा। अब जो आपके पास जो होमवर्क है वो ये है कि जो एसिटिल हैलाइड है उसके केस में आपको मैकेनिज्म करके देखनी है, ठीक है बेटा। हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे जो मूव कर जो अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा वाया ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, ठीक है। तब तक के लिए बेटा ऑल दी वेरी बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।